में कितने इडली और भक्त बन गए हमारे रेफ्रिजरेट मीट रेस्टोरेंट में प्रसाद बाबा बने। सो वन कैन डू दैट। इस तरह से आप आ सकते हैं। हमने वेस्ट का पूरा टेस्ट एक्सप्लोर नहीं किया है। अगर इस्कॉन में कितने लोग आते प्रसाद पाने के लिए, उंगली चाट के जाते हैं। बिना प्याज लहसुन का वेज खाना ऑसम बनता है एक्चुअली, ऑसम इन एवरी मौसम। So, इस तरह से धीरे धीरे करके then you can bring that change at your home। ठीक है, साथ में हरे कृष्णा करना शुरू करें। मीट निकल जाएगा, हरे कृष्णा करिए। ये एलर्जी मैरिज वाला करने वाले हिप्पी लोग ये पूरी तरह से भक्त बन गए। तो बता ना चाइनीज, हर उल्टी चीज खाने, हर चलती चीज खाने, हर तैरती चीज खाने वो लोग। ऐसे लोग बिना प्याज लहसुन का शुद्ध शाकाहारी भोजन भोग लगा कर पा रहे हैं। कैसे हो रही है भाई? चैंटिंग हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा घर में 5 मिनट कीर्तन शुरू करिए। घर में साहब ये मामले निकल आएगा। फिर आपके घर में क्या होगा? नान, पनीर नान, सब नान, साथ में वेज। सो यू बिकम नान वेजिटेरियन। ठीक है, ऑल द बेस्ट इज बिकमिंग नान एंड वेजिटेरियन, नान वेजिटेरियन। हरे कृष्णा क्योंकि बहुत सारे होते हैं ओम का उच्चारण करते हैं, ओम नमः शिवाय करते हैं, करते हैं खुद प्रहलाद हरिओम का उच्चारण करते हैं। तो सिर्फ इसी से मन शांत हो सकता है ऐसा। बिल्कुल, देखिए वैसे ना भगवान के सारे नामों में शक्तियां तो हैं, सब नामों में शक्तियां, लेकिन सब नामों में सारी शक्तियां नहीं, कुछ नामों में 500 शक्तियां नहीं। तो उस तरह से जैसे भगवान के नाम 3 प्रकार के नाम होता है। एक है गौर नाम, विच इज सेकेंडरी नेम्स, जो कि वहां के ऑपुलेंस से कनेक्टेड है। इनमें भी शक्तियां हैं, जैसे सर्वसाक्षी, सर्वव्यापी, क्राइस्ट, अल्लाह। अब ये भी नाम है, भगवान के नाम है, और इनमें भी शक्ति है कि पापों को काटे। इससे ज्यादा शक्ति भगवान डाली उन नामों में जो कि भगवान की लीलाओं से संबंधित है, जैसे कृष्णा, श्याम सुंदर, यशोदानंदन, नंदनंदन, वृंदावन चंद्र। ये भगवान की लीलाओं से संबंधित नाम है। सो दे कैन हैव इवन मोर पोटेंशियल। फिर उसके बाद फिर और हायर नाम आता है, उसको बोलते हैं माधुर्य नाम। एक था गौड़ा नाम, मुख्य नाम, अब है माधुर्य नाम, दिस इज द स्वीटनेस गिविंग नेम। वो नाम है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति षोडश का नाम नाम, ये 16 अक्षर का नाम। कली कलमश नाश नाम, कलियों के कलमशों का नाश करने वाला है। नत्ता का उपाय, इससे बेहतर उपाय नहीं है। सर्वेदे शुद्ध, सारे वेद छान मारे गए। ये ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कली संतरण उपनिषद के अंदर कि इससे बेहतर उपाय नहीं है। कौन बोल रहा है? ISKCON डिवोटी, ब्रह्मा जी ISKCON डिवोटी। हाँ, इसको ब्रह्मा जी रेकमेंड कर रहे हैं कलयुग वालों के लिए हरे कृष्ण महामंत्र इज द बेस्ट। ठीक है, तो करिए द बेस्ट। और कोई सवाल किसी का? हाँ बोलो जी, वहां से भी आपको आते। हरे कृष्ण प्रभु जी, welcome Shiva. Thank you. This topic is tension, right? So yes. Lately I've been seeing that there is a lot of tension between spouses. Okay, between spouses. Spouses. Husband wife. Right. So and we know that Bhagavatam, Gita has answers to all the life's mysteries. Right? Yes. So, yes. How does Bhagavatam teach to have a happily married life? Like, okay. How does Bhagavatam teach that you can have happy married life? Whereas when you Karna Muni और माता देवभूति लाइफ में पढ़ेगी ना, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वट आर द ड्यूटीज ऑफ वाइफ, वट आर द ड्यूटीज ऑफ हस्बैंड। ठीक है, लेकिन मोटा मोटा कुछ सूत्र आपको बताएगा। सबसे इम्पोर्टेंट सूत्र है शादी के अंदर क्षमा करना। मैंने कहा आजकल हस्बैंड वाइफ उसको माफ नहीं करते, यह ग्रज, उसने तो ऐसा बोला था, तुमने ऐसा बोला था, एंड दे डोंट फॉरगिव। बट ग्रेट मैरिजेस आर मैरिजेस ऑफ टू ग्रेट फॉरगिवर्स। दो महान माफ करने वालों की शादियां भी महान होती है। So we should learn to forgive. Why carry grudge? गलती से ही होती है, सबसे होती है, माफ करना चाहिए। सेकेंड है परफेक्शनिज्म। We are expecting my partner should be perfect. क्यों भाई? तो she should be 10/10. My husband should be 10/10. ये unrealistic expectation. कुछ ना कुछ कमी होती है। They can be wife who is very beautiful, लेकिन कुकिंग के नाम पे धब्बा है वो। ऐसी कुछ लड़कियां होती हैं वो लोग भाई जो बनाती है ना, वो तो बहन तू ना सी की शादी तो दे दिया थोड़ी खाएगा। लेकिन वेरी गुड कुक, वेरी ब्यूटीफुल, हम कंपेयर करेंगे तो सुंदर नहीं है ना, शी नॉट हैविंग फेयर कॉम्प्लेक्शन, और उनका देखना फेयर कॉम्प्लेक्शन है। मे बी यू नो माय पार्टनर इज वेरी नॉट वेरी रोमांटिक, हर जगह बस ये हरे कृष्णा रोमांटिक रोमांस के नाम पे धब्बा है। वो सब माय पार्टनर स्टार्टर बॉक्स काचा 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 है, बोलता रहता है, अभी चुप हो जाएगा, बोलता रहेगा अच्छा चुप हो गया, इतना डल है माय पार्टनर इज सो डल, चुपचाप बैठा है, देख कुछ ना कुछ शिकायतें रहेंगी। अगर बहुत स्पिरिचुअल हो गया देख तो क्या आपके बात बना भाई, और अगर मानो स्पिरिचुअल नहीं है, इतना मटेरियलिस्टिक है, मनी माइंडेड प्लानिंग करेगा, इतनी प्लानिंग कंजूस आती है, कंजूस हो जाते हो, मतलब कुछ ना कुछ वी फाइंड आउट अ वे कि ना इसका दोष है। देखो दोष सब में रहेंगे। एक बार ऐसा हुआ कि ना एक स्कूल में बकरियां छोड़ दी गई, सबके घर में प्लेट टांगी गई, सो लिखा था 1, 2, 3 and 5। तो बकरी नंबर 1 भी ले आए, 2 भी ले आए, 3 भी ले आए, 5 भी ले आए। चौथी बकरी ढूंढने में ना सबके पसीने छू रहे हैं, तो 4 नंबर की बकरी तो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, उसको ढूंढने के चक्कर में ऐसी तैसी कर लिया। तो जो क्वालिटी मेरे पार्टनर में एग्जिस्ट नहीं करती उसको लेके यहाँ थोड़ा उसको इंस्पायर कर लें या उसको स्वीकार कर लें, वो समझ आ रही है। जो उसमें कमी है उसको लेकर कोक करते रहना। आई नो सम ऑफ हस्बैंड्स दे कीप पोकिंग, तुम तो आलसी हो, तुम करती क्या हो, कमाते ना हो ना। एक बार हस्बैंड ने वाइफ बोला तू करती क्या है। अगले दिन ऑफिस आया, पूरा घर नर्क बना हुआ था, कपड़े झूठे, कपड़े यहाँ पड़े हुए, बर्तन झूठे, और भाई आराम से कुर्सी बैठ गई। घर का क्या बच्चा करना तुमने, तो वाइफ ने बोला ना तो बोल रहे थे ना कि मैं कुछ करती नहीं हूँ, मैंने सोचा चलो आज मैं कुछ नहीं करती। तो इसीलिए ना ये इसको ध्यान रखना चाहिए, साथ ही शब्दों का इस्तेमाल एकदम से ना रिएक्ट करके पक्का देना, बोल देना कि भड़ास निकाली मैंने, सुकून मिला मेरे को। पर ये भड़ास निकालने में ना फिर आप शब्द अच्छे नहीं सुनते आप, और जो चोट शब्दों से लगती है वो हथियार से भी लगती है। आपको चक्कू कटवाएगा ना वो एक हफ्ते बाद हील हो जाएगा, शब्दों की चोट लोग सालों साल याद रखते हैं। तो वो शब्द नहीं बोल सकता मैं, वो शब्द नहीं बोल सकती मैं, तो हमने बोले थे ना। तो जब गुस्सा है ना उस वक्त